जय हिंद अलाफी माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि 4 से 5 दिन बाद आपको ये लेक्चर मिल रहा है। जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड GDO DB के एग्ज़ाम हो चुके हैं और नेवी के बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन जो है आप स्टार्टिंग से एंड तक इसको जरूर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। अब वो बात हमारी है इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB रिजल्ट 2021, जो आपका भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, जिसका भी अप्रॉक्स 22 जो है मार्च तक आपका जो एग्ज़ाम फिनिश हुआ था, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी आंसर की आएगी, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपसे पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो इसलिए हम कंप्लीट बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ का इंतजार करें कि कैसे रिजल्ट देखें, क्या क्या उनको काम करना है, मतलब आपको पूरी प्रोसेस हम बताएंगे, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों ने फिलहाल तो इसके बारे में बता रखा है, लेकिन हम थोड़ा आपको यूनिक और स्पेशल बताएंगे, ठीक है, माइंड कीजिएगा। देखिए, सबसे बात यहाँ पर यह है कि जो कोस्ट गार्ड GDDB रिजल्ट 2021 की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ देखिए, काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज और फोन आते हैं कि सर क्या इसकी आंसर की आएगी। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम होने के 4 से 5 या 1 सप्ताह के अंदर, मतलब जो आंसर की आ जाती है, आंसर की का मतलब आप अपने चेक कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आंसर की अक्सर उन एग्जाम्स में होती है जिन मतलब जिसको ऑफलाइन कहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स में ज़्यादा आंसर की आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, कोस्ट गार्ड किसी प्रकार से आपको आंसर की नहीं देगा, यानी आपकी आंसर की तो नहीं आएगी। अब बात करिए रिजल्ट की, रिजल्ट की बात करें तो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB का जो रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट आपका जो है ये 12 से 15 अप्रैल के बीच, 12 से 15 अप्रैल के बीच आपके सरकारी rizult.com पे आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब 12 से 15 अप्रैल के बीच, मतलब इसी मंथ में, जो 12 से आज आपकी जो है करीब 1 तारीख हो गई है ना, तो लगभग मेरे हिसाब से 11 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इंडियन कोस्ट का GD और DV का। आप sarkaririzult.com पे अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद आपका तुरंत वहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगली चीज़ मैं आपको बता दें, देखिए और मैं आपको बता दें, काफ़ी स्टूडेंटों के डाउट हैं कि न्यू वैकेंसीज कब आएंगी। काफ़ी स्टूडेंटों का फर्स्ट अटैम्प्ट था और उनका पेपर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया जैसा जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए हम आपको न्यू स्पेशल लेक्चर में लेके आएंगे कि जो है न्यू वैकेंसीज कब आ रही हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, फिलहाल अभी से बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हम स्पेशल जो है एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी फिर से तैयार करा लीजिएगा। देखिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपने देखा है कि प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हाल ही में हुआ था, इसमें जितने ज्यादा मतलब जितने भी स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला है, मेरे हिसाब से 100% स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है, जिसमें से मैं जो अपने अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है स्टूडेंट को अकॉर्डिंग से इंटरप्रेट हुआ है, उसमें 40% प्लस स्टूडेंटों को आउट किया गया है। आउट करने का मतलब उनको पेपर देने को नहीं मिला है। ये थे कुछ एरर्स उनके आधार कार्ड में, या जो उन्होंने जो फॉर्म को सबमिट किया था उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में कहना कि एरर्स थे, तो इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं था, यानी हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि थोड़ी सी गलती है, कोस्ट गार्ड ने उसको आउट किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ कि कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका मेडिकल होगा, क्या जो है फाइनल कट ऑफ रहेगी। और मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि कोई भी टीचर अभी आपके लिए भी फाइनल कट ऑफ के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक संभावित परसेंटेज बता रहा है। संभावित परसेंटेज का मतलब है एक, मतलब वो जो है एक अपने हिसाब से बता रहा है, यानी कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म इसकी जो कट ऑफ तभी होगी जब इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग अनुमानित परसेंटेज बता सकते हैं, यानी मैंने आपसे बोला कि कट ऑफ आपकी DB की 45 या 46 जाएगी, तो ये हमारा क्या एक तुक्का है, तुक्का हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक पिछले निष्कर्षों के आधार पर देख के हम बता सकते हैं, लेकिन चूंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी तो कोई इसके ऊपर हमें जो है विचार नहीं करते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, इसका तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, अब जिन स्टूडेंटों का पेपर अच्छा गया है, थोड़ा उनको लगता है कि हाँ हम जो है DB में 40+ हैं और जो है GD में लगभग 80+ या 90+ या 75+ जो भी है, तो भैया अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लो। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है तुम्हारे जो भी एरर्स हैं आधार कार्ड में, मार्कशीट में मैच ना हो। देखिए, आपको पता है कि 10th और 12th की जो मार्कशीट है, जो मार्कशीट आपकी, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आधार कार्ड और 10th 12th की मार्कशीट में कोई जो DUB का डिफरेंस आ रहा भैया, तो उसको आप आधार कार्ड को सही करा लीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपने आधार कार्ड को ठीक करा लें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आपके कंप्लीट नहीं है, मतलब करेक्टर शार्ट मतलब जो है
करेक्टर सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं भाई अभी जल्दी से बनवा लो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, है ना। रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी जो है फाइनल कटा भाई, इतनी आपके पास स्टेप है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो भैया सिंपल सी बात, अभी से आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करा लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंटों ने सेंट्रल कोस्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अभी वो अप्लाई कर दें, वो 15 दिन के अंदर सेंट्रल कोस्ट सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल के लिए वो एलिजिबल रहता है, 3 साल तक वो जो है उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग बना लीजिए, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपको तो वही नेक्स्ट में एग्जाम देना है। हमें तो यही एक ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ कि आपका इसी बार में हो जाए, है ना। लेकिन तब भी अपने डॉक्यूमेंट रखिएगा कंप्लीट, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिएगा। और मैं उनको बता दूँ कि काफ़ी स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा हैं, तो भैया जिन स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट स्कूल में हैं तो वेरिफिकेशन के समय उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कुछ भी हो उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, अनंता कोस्टगार्ड सेंटर उनको आउट कर देगा, ठीक है ना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट को लेकर, ज़्यादा परेशान ना हो। और आगे हम आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कब आपका फिजिकल होगा, कब आपका मेडिकल होगा, सब चीज़ों के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं हमारे स्टूडेंट्स। और जो है न्यू वैकेंसी कोस्टगार्ड की कब आ रही हैं, कब कोस्टगार्ड की वैकेंसी आ रही है, इसके ऊपर हम लोग आपको कल लेक्चर देते हैं, ठीक है माय डियर। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हाँ, जय हिंद, जय भारत।